दोस्तों, मेरा नाम है स्मित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के दौरान आप लोगों को बताऊंगा कि एमसेंडर जो अभी बंद होने वाला है 1 अगस्त 2017 से। तो अगर आपके पास एमसेंडर ऐप है और नहीं भी है, आप पहले अकाउंट खोला था, कुछ बैलेंस था, फिर अनइंस्टॉल कर दिया, आप अभी जाकर प्ले स्टोर में सर्च मारिए एमसेंडर ऐप आपको नहीं मिलेगा। सो मेरा ये मानना है आप ब्राउज़र में जाइए, एमसेंडर ऐप सर्च कीजिए, एमसेंडर ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आपके पास कुछ भी बैलेंस है जल्दी से जल्दी रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि ये ऐप 1 अगस्त 2017 से पूरा पूरी बंद होने वाला है। सो आप ये कर लीजिए। सुबह आज मैंने एमसेंडर ऐप खोला, मेरे पास एमसेंडर ऐप था, मैंने एमसेंडर ऐप खोला और वहाँ दिखा रहा था मेरे पास कुछ ऑफ़र्स अवेलेबल थे। तो मैंने जब ऑफ़र्स को क्लिक किया तो वहाँ दिखा रहा है कि आप ऑफ़र्स में क्लिक कीजिए और दिखा रहा है कि एक पेज ओपन हो रहा है। वहाँ इस पेज में क्या दिखा रहा है, उस पेज में दिखा रहा है कि सपोर्टिंग एमसेंडर ऐप एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आस। सो ये कुछ दिखा रहा था तो मैं प्ले स्टोर में जाया, एमसेंडर ऐप सर्च किया, एमसेंडर ऐप तो नहीं आया। तो मैं माई ऐप्स एंड गेम्स के बार दौरान गया, ऑप्शन में गया, वहाँ दिखा रहा है कि थैंक यू एमसेंडर ऐप अपडेट अवेलेबल है। तो मैं अपडेट किया, वहाँ दिखा रहा है कि एमसेंडर ऐप क्लोज हो रहा है। सो मैं इस वीडियो के दौरान यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी एमसेंड पड़ा हुआ है 10 रुपये के ज़्यादा, 10 रुपये के नीचे तो आप नहीं कर सकते, और अभी जो ऑफर्स है वो ऑफर्स आप अवेलेबल नहीं कर सकते। सो अगर आपके पास कुछ भी अमाउंट पड़ा हुआ है तो जल्दी से जल्दी रिचार्ज कर लीजिए। एमसेंड बोल रहा है कि आप बाद में भी रिचार्ज कर सकते हैं, हम सर्वर ठीक रहेंगे, बट कुछ भी हो सकता है, क्यों अपना टाइम मतलब पैसा वेस्ट करें। मतलब पैसा तो आप फ्री में मिल रहा है लेकिन नेट तो आपने यूज़ किया ना, तो क्यों वेस्ट करें। तो जल्दी से जल्दी रिचार्ज कर लीजिए। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब इन दिस चैनल।